दोस्तों भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात सम्मान की हो तो यहाँ शांति क्रांति में बदल जाती है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है सर्जिकल स्ट्राइक। और कुछ ऐसे ही हमारे अगले सिंगर पीयूष, जो वैसे तो एकदम चुप रहते हैं, पर जब बात सिंगिंग की आती है तो ये अच्छे अच्छों को चुप करवा देते हैं। लेकिन इनको बुलाने से पहले एक बार विकी हो जाए। हाउ इज द जोश? हाय सर। देखो इनका जोश भले ही बहुत ज्यादा लो हो, इनकी सिंगिंग बड़ी हाई है। आ जाओ पीयूष, इधर यहाँ पे आ जाओ। आज तो बुलवा के रहेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त। आ जाओ विकी सर, लास्ट टाइम। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाय, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। आज जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, वो मैं एक ऐसी शख्सियत को डेडिकेट करने जा रहा हूँ जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में कारगिल के वॉर में अपनी जान की शहादत दी थी। उस शख्सियत का नाम है कैप्टन विजयंत थापर। और कारगिल वॉर में जितने भी हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं, उन सभी को ये मेरा गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। देश के शहीदों का दर्जा सबसे ऊंचा है, और आज एक ऐसे ही शूरवीर कारगिल वॉर के शहीद कैप्टन विजयन थापर जी के माता पिता इस मंच पे आ रहे हैं। प्लीज वेलकम रिटायर्ड कर्नल वी एन थापर जी और तृप्ता थापर जी। गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम तृप्ता थापर, मदर ऑफ कैप्टन विजय थापर। विजयन थापर आर्मी में फोर्थ जनरेशन था। हिज फादर कर्नल थापर, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑल वर इन द आर्मी। आर्मी का जोश और देशभक्ति उसके डीएनए में थी, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता था, जो उसने कारगिल वॉर में प्रूव कर दिया। '99 की सबसे पहली जो विक्ट्री थी इंडियन आर्मी की, दैट वॉज तोलोलिंग कैप्चर, जिसमें विजयन थापर ने भाग लिया एंड ही कैप्चर्ड बर्बाद बंकर। June का ये हुआ, और 14th जून को मैंने उसका नाम न्यूज़पेपर में पढ़ा, और उसी इवनिंग उसका कॉल आया कि मामा आपको पता लगा कि 2 राजपुताना राइफल्स ने तोलोलिंग जीत लिया है? तो मैंने कहा हाँ, मैंने तुम्हारा नाम भी पढ़ लिया, और बहुत अच्छा उसके बारे में आया था। उसके बाद उसने कहा कि अभी आपको 20 दिन के बाद मैं कॉल करूँगा, अभी ना मुझे एक और टास्क मिला है। सो मैं तो एक फौजी डॉटर इन लॉ हूँ, फौजी वाइफ हूँ, और ऑफकोर्स फौजी मदर, तो मुझे तो टास्क का मतलब समझ आ गया कि ही इज़ गोइंग फॉर अनदर अटैक। एंड 20 दिन के बाद रॉबिन का फ़ोन तो नहीं आया, बट आई गॉट ए कॉल फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर्स। They said, we are very sorry, and we are informing you that your son, Captain Vijayan Thapar, has laid down his life for his nation. So you can well imagine that I lost 22-year-old son. ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। आ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। जब वो सेकंड अटैक के लिए जा रहा था, सेकंड अटैक वाज ऑन 3 पिंपल्स नॉल, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, ही कुड सी। दुश्मन जो पूरी तैयारी के साथ ऊपर बैठा था, और पूर्णिमा की रात थी उस दिन, तो ही कुड सी के वहाँ से वापस आना कितना इजी है या नहीं है। सो
चार घंटे पहले उस अटैक से, उसके साथ उसका फ्रेंड था कैप्टन तोमर. सो उसने तोमर को कहा कि सुनो तोमर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, इफ़ आई कम बैक तो आके फाड़ दूंगा, और अगर मैं वापस नहीं आया तो ये लेटर मेरे को तुम जाके नोएडा में मेरी फैमिली को दे देना. एंड फ्रेंड्स, वी गॉट दैट लेटर थ्रू तोमर ओनली. ओ वतनामे मेरे वतनामे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था. यू कांट बिलीव व्हाट ही हैड रिटन इन दैट लेटर. यू नो फर्स्ट सेंटेंस वाज, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल बी ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द स्काई, एंजॉयिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ अप्सराज. और मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं आपको स्काई से देखूंगा. ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है. And second, he said, if you can, please, papa, if you can come, you must come and see where the Indian army fought for your tomorrow. So you see, friends, Colonel Thapar jo hain, वो हर साल 99 से लेके टिल डेट वहाँ तक जाते हैं जहाँ विजयन थापर दुश्मनों के साथ लड़ते हुए खत्म हुआ था. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू. इट इज लाइक ए पिलग्रिमेज, जैसे तीर्थ करने लोग जाते हैं. कर्नल थापर किसी तीर्थ पे नहीं जाते, वो सिर्फ कारगिल जाते हैं. तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. एंड देन ही राइट्स, आई हैव नो रिग्रेट्स, इवन इफ आई बिकम ए ह्यूमन अगेन, आई विल ज्वाइन द आर्मी एंड फाइट फॉर माई नेशन. एक 22 साल का आर्मी ऑफिसर ये सोचा कि ये जिंदगी तो मेरी गई, इस जिंदगी का मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं अगली जिंदगी भी, अपनी जो नेक्स्ट जन्म में भी मैं बनूंगा, मैं फौज ज्वाइन करूंगा अपनी, और मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा. सो फ्रेंड्स, आई वॉन्ट कि मैं हमेशा 7 जन्मों तक विजयन की मां बनूं और विजयन मेरा बेटा बने. मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे बेटे ने इस तरह का कार्य किया. इस देश की रक्षा के लिए किसी न किसी को शहीद होना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरा बेटा हो या आपका बेटा हो. जो गोली एक सैनिक को बॉर्डर पे उसकी छाती में छलनी करके निकल जाती है, वो गोली हजारों किलोमीटर दूर एक माँ के सीने में जाके लगती है. और वो घाव ऐसा घाव है जो पूरी उम्र नहीं भरता. मैं अब खुद एक माँ हूँ, मेरा बहुत छोटा सा बच्चा है, पर वो बच्चा चाहे 22 साल का हो, 2 साल का हो, वो तो बच्चा ही है. पर मैं आपको सल्यूट करना चाहूँगी सच में, बिकॉज एक माँ ने एक दूसरी माँ के लिए, भारत माता के लिए अपना बच्चा दे दिया. इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है. आई फील सो ऑनर्ड. भारत माता की, भारत माता की. दोस्तों, पीयूष की आज की परफॉर्मेंस उन सभी शहीदों को समर्पित है जिन्होंने अपनी हर सांस को इस देश की हिफाजत के नाम कर दिया, और इसीलिए घर बैठी ऑडियंस से हमारी गुजारिश है कि पीयूष के परफॉर्मेंस के दौरान आज अपने घर पे कैप्टन विजयन थापर जैसे शहीदों के लिए एक दिया जरूर जलाएं.
Wish you all the very best, my friend. Thank you, sir. Have a good one. चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मम्मी पापा, जब तक आपको एक खत मिलेगा तब तक मैं दूर ऊपर आसमान से आप सभी लोगों को देख रहा होगा, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं होगा कि मुझे फिर से एक बार इंसान का जन्म मिले तो भी मैं भारत माँ के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वापस आओ
आपने जो गाया है ना उससे आपने मेरे दिल को छू लिया रियल. मुझे लगा विजयंत वापस आ गया. थैंक यू. बहुत बहुत ही अच्छा गाया, क्या बता सकती हूँ. ऐसे सच में लग रहा था कि जैसे मैम कह रही थी कि शायद कैप्टन खुद ही बोल रहे हैं मैं वापस आऊंगा. भारत माता के लिए सबका दिल नरम है, सबका सर ऊंचा है गर्व से. चाहे कुछ भी हमारे देश में चल रहा हो पर हम तो एक ही हैं, और उसका एहसास आपके म्यूजिक में आया. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. मैं बड़े सालों से बहुत सारे सोल्जर्स से मिला हूं. जिस मतलब एक हायर कॉलिंग होता है ना, जिस मिट्टी के वो बने हैं ना, उस वो मिट्टी जेन्युइनली पूजनी है. इस गाने के लिए मैं अनु जी को सलाम करता हूँ, क्योंकि उसके सुर ऐसे हैं, सुर ऐसे सीधे दिल पे लगते हैं, इसके बोल ऐसे हैं सीधे दिल पे लगते हैं. लिरिक्स और लिरिक्स है, क्या लिरिक्स है. इस गाने की सच्चाई ऐसी है. संदेसे आते हमें तड़पा. मैंने कभी एक दिन देखा नहीं पर्सनली जंग का, लेकिन फिर भी मैं वहां चले गया था आपके गायकी के थ्रू. तो बहुत बड़ा काम किया है आपने. एंड मैम सर आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. इट्स अ ह्यूज ऑनर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. इनकी आवाज़ सुन रहा था पर देख रहा था थापर मैम के चेहरे को और उनकी मुस्कुराहट को, और जैसे जब उन्होंने कहा कि उनके लिए विजयंत वापस आ गया, मैं उनकी आंखों में वो देख पा रहा था और वो खुशी देख पा रहा था, और वो शायद आपकी आवाज़ की वजह से भी है. मैं एक चीज़ जो सीखा हूँ, जितने मुझे मौके मिले हैं आर्मी से इंटरैक्ट करने का और उनसे रूबरू होने का, कि एक चीज़ मैं जो समझा हूँ कि फौजी सिर्फ वो नहीं है जो सिर्फ वर्दी पहनता है. फौजी वो भी है जो घर में उन्हें सपोर्ट करती हैं. उनकी माँ भी एक फौजी है, उनकी पत्नी भी एक फौजी है, उनकी बहन भी एक फौजी है. सो मैम अ बिग थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर योर सर्विस. थैंक यू सो मच. और एक अगर मैं छोटा सा ट्रिब्यूट कैप्टन विजयंत के लिए दे पाऊँ, वो दो राजपुताना राइफल से थे, तो उनकी अगर मैं वॉर क्राय आपके साथ शेयर कर सकूँ, एंड आई वुड लाइक सब ज्वाइन कर पाए. एब्सोल्युटली. राजा रामचंद्र की जय. राजा रामचंद्र की जय. राजा रामचंद्र की जय. भारत माता की जय. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. इट रियली इज एन ऑनर. रियली रियली इज एन ऑनर. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.